ओके अभी मैं एक यहाँ पे जगह है, पब्लिक लाइब्रेरी है एक्चुअली मेलबर्न की, काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है, इसे मैंने पहले भी शायद बताया था, और उसमें फ्री एंट्री होती है, तो उसको देखने जाना है क्योंकि ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है। और मैंने एक दो फ़ोटो देखे थे तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो लाइब्रेरी, तो यहाँ पर मैं ट्रैम के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं पहुंच गया हूं ये स्टेट लाइब्रेरी जो है उसके अपोजिट साइड में। आपको ये शायद अभी समझ में आ रहा होगा, स्टेट लाइब्रेरी करके यहां पे लिखा हुआ भी है। अभी पीछे से एक गेट नंबर 5 से भी एंट्री थी, लेकिन मैंने सोचा कि मेन गेट से ही एंटर करता हूं मैं, और यहां पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्टेट लाइब्रेरी विक्टोरिया। यहाँ पे छोटा सा कैफे भी है। वाओ, आई लव लाइब्रेरीज। So beautiful.
ये जो डोम है इसमें 6 लेवल हैं, अभी मैं 6th लेवल पे हूँ और यहाँ से जो इन नीचे लोग बैठे हुए हैं, रीडिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अच्छी व्यू मिल रही है। ये रीडिंग डोम है एक्चुअली। ओके, अभी मैं लाइब्रेरी से एग्जिट ले रहा हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी बड़ी, सो मैनी थिंग्स टू रीड। अगर आपको बुक्स से प्यार है और आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है तो ज़रूर आइए यहाँ पे। एटलीस्ट रीडिंग नहीं करनी है तो कम से कम यहाँ पे जो लाइब्रेरी है यहाँ की स्टेट लेवल की, उसको देखने का मौका मिलेगा। और ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, आई थिंक 1850 के आसपास में किसी ईयर में बनाई गई थी। आर्किटेक्चर इसका बहुत पुराना है। चेयर वगैरह भी आप देखेंगे तो थोड़ा ओल्ड स्टाइल की हैं, लेकिन डिफरेंट हैं, विंटेज स्टाइल की। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो यहाँ से ये शॉप है, बुक्स, स्टेशनरीज, सुवेनियर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। चलो, एग्जिट ले लिया मैंने गेट नंबर 5 से। मज़ा आ गया लाइब्रेरी देख के, मतलब एक बार ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ साइड में रख के आराम से 2-4 घंटे शांति से कुछ तो बुक उठा के पढ़ूँ। बट अगेन आज का दिन है मेरे पास, तो टाइम अगर मैंने उसमें स्पेंड किया तो फिर बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इस टाइप की लाइब्रेरी अगर है अपने आस पास में तो उसको इन्जॉय करना चाहिए, मज़ा आ गया। एक कॉन्सेंट्रेशन जो बनता है ऐसी जगह पर बैठ के वो डिफरेंट ही है। आप घर पर पढ़ लो या फिर ऑफिस में पढ़ो, लेकिन लाइब्रेरी में बैठ के जब आप रीडिंग करते हो तो उसका अलग ही माहौल है।